बहुत खुशी की बात है और ये तो होना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व है, उनका उनके निर्देशन में ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से खाता खोली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मेनका गांधी को आपने हराया कहीं 50,000 मतों से, क्या रिएक्शन है आपका? ये यहाँ की जनता चुनाव हराई है उनको, क्योंकि जनता के उम्मीद पर खरा नहीं उतरे और मनमानी तरीके से काम हुआ, लोगों की बहुत उपेक्षा हुई और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों की पार्टी है। लोगों से झूठ बोलकर सत्ता में दो बार आए तो यहाँ के लोग नहीं, पूरे प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहते थे, हटाना चाहते थे। बहुत ही कम समय में आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद जीत दर्ज की। यहाँ के लोगों से हमारा बहुत पहले से लगाव था। 1.5 साल पहले हमें यहाँ लोग कह रहे थे कि आप यहीं से लोकसभा लड़िए, लेकिन अंतिम समय में परिस्थितियाँ बदली और यहाँ से हम चुनाव लड़े और कामयाब हुए। नेताजी कॉम्बिनेशन बहुत अलग है, आप सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उसके बाद उनका विकास कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगा। सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, इसमें विकास आड़े नहीं आएगा, विकास के काम बहुत तेजी से होगा। ये सरकार, प्रदेश की सरकार किसी काम लायक नहीं है, सिर्फ मंदिर बनवाने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता। आज अयोध्या में लोग वहाँ समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताए हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हारी है, तो लोग समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, अब उनको यहाँ से दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। लोगों का सम्मान प्राथमिकता है। यहाँ से लोगों को सम्मान नहीं मिला जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और तमाम लोगों की अपेक्षाएं थी कि हमारी जो समस्या है और उसको सुना जाए और उचित तरीके से उसका निस्तारण हो, इसका अभाव था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। और लोगों की उम्मीद समाजवादी पार्टी से थी, तो उसी का नतीजा है यहाँ समाजवादी पार्टी। जो कुर्सी बेचने वाले आते हैं 400 कहते हैं 150 में, देखी जाते हैं ये भी 150 लेकर जाएंगे। जनता का भरोसा जो है मीडिया पे नहीं है, योगी जी को गोरखपुर भेज दे रहे हैं और 15 अगस्त तक जितने भी छुटका से जानवर टहल रहे हैं उनको भी भर करके भिजवाने का काम करेंगे। देखिए सुल्तानपुर जिले से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी मेनका गांधी, उन्हें बड़ी करारी हार दी है। सपा के प्रत्याशी राम भुआल निषाद ने नई तस्वीरें जो है जीव न्यूज आपको उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और हॉट सीट सुल्तानपुर से दिखा रहा है। जी हाँ,